थोड़ा पानी पताइयो रे कमेटी के पास। थोड़ी कुछ कमी दिखा रहा है कोई बात नहीं, घूमते रहेंगे ताऊ जी, कोई बात नहीं, अभी कवरेज ले रहे हैं, घूमते रहेंगे थोड़े थोड़े। सीधा परेशान लाइव चल रहा है, कुछ आदमी जो दंगल के बीच में नहीं पहुंच रहे वो अपने घर बैठे कुश्ती बांध ले रहे हैं। और बहुत मुकाबला आपके पैदे चलता हुआ। और मेरे भाई आदरणीय ताकत लगा रखे करेंगे पहलवान जो जी कस्ते साए थे, हर पार का ही मुकाबला होगा। क्लियर देवांगे, क्लियर क्लियर देनी है। है ओमान शख्सियत हमारे बीच में बैठे हैं, प्रमुख समाज सेवी आजाद मूर्ति, एक लाख 25,000 रुपए की धन राशि देकर के इस कुश्ती मेले का मान सम्मान बढ़ाया, चार चांद लगाने का कार्य किया माननीय आजाद। चैनल के साथियों से भी निवेदन है, आप भी घूमते रहिए। मैं आपसे बता दूं, करण पहलवान आर्मी के अंदर सूबेदार के पद पर कार्य कर, जिन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में 7 बार विजय प्राप्त की है, अनेकों मेडल जिनके पास है, एशियन चैंपियंस में 2nd स्थान प्राप्त किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इन्होंने 3rd पोजीशन प्राप्त की थी, कैडेट में एशियन में भी ये हेलो जय सिंह पहलवान जी और छाना और ताऊन छोड़कर सभी बाहर आ जाओ दंगल के पीछे, बाहर आइए, दंगल कमेटी का डिसीजन है भाई। जय सिंह जी और ताऊ जी रेफरशिप का काम करेंगे और आप सबसे निवेदन है, और एक्स्ट्रा जितने भी बंदे भी अंदर है सब बाहर आ जाए भाई। हाँ, तो बढ़िया डिसीजन दंगल कमेटी ने लिया है भाई, कोई कुश्ती बराबर नहीं रहेगी, जो टाइम दिया है अगर उसमें कुश्ती आर पार नहीं होती तो पॉइंटों के आधार पर फैसला लिया जाएगा। वो भी आर्मी के अंदर सूबेदार के पद पर कार्य करते हैं, बड़े स्टार पहलवान इस इलाके के हैं। हाँ जी भाई, बाहर आ जाओ सारे, कैमरामैन वाले भी पीछे कह रहे, थोड़ा पीछे आ जाओ दर्शक पीछे से सर। हाँ, ऋषिपाल जी, संजय जी और कदर हरियाणा के साथियों से मैं निवेदन करूंगा, वो घूमते रहें, अपने कैवरेज लेते रहें। कोई बात नहीं, घूमेंगे घूमेंगे सर, घूमते बस बस घूमते। सारे देश में
थोड़ा हा आप हमारे लिली पैंट छेटे हेरो जमा एक जगह है ना फिर ये खाम खाई कृष्ण मारन मार दिया ये बंदे दूध होना चाहोगे तो न्यूज न्यू गए था मट्टी गिरो जी मट्टी गिरो पानी रहे कहती सारे तो साहब मन मारे पूरी तरह नहीं हो गया थोड़ा।